दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसका मतलब अगर आप लोग समझ गए तो ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है दो भाइयों की जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक साथ साथ अपनी पढ़ाई की। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था क्योंकि वो दोनों भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दोनों जॉब ढूंढने लगे। दोनों का सपना था एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगने का। काफी मशक्कत के बाद दोनों में से एक भाई की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। उसका पैकेज था 20 लाख रुपए सालाना। वहीं दूसरे भाई को एक छोटी सी कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए महीना ऑफर किए गए। दूसरा भाई बहुत दुखी था ये सोचकर कि मेहनत तो मैंने भी वही की थी, फिर मुझे इतनी छोटी जॉब क्यों मिली। कुछ दिनों बाद दोनों भाई कुछ दिन की छुट्टियों में घर आए तो उनमें से दूसरे वाले भाई का उदास चेहरा देखकर उसके पिताजी समझ गए कि ये उदास क्यों है। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया, दोनों के हाथों में एक एक कील और एक एक हथौड़ा थमाकर कहा कि उस सामने वाले पिलर पर अपनी अपनी कील को पूरा गाड़ कराओ। दोनों अपनी अपनी कील को हथौड़े से दीवार में ठोकने लगे। पहले वाले भाई ने जिसकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी उसने उस कील को पिलर में तुरंत गाड़ दिया, लेकिन दूसरा भाई कील को नहीं गाड़ पाया। पिलर में लोहे की रोड आने की वजह से उसकी कील मुड़ गई। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि जानना चाहते हो अभी तक तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारे भाई की तरह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब क्यों नहीं मिली। जब तुम्हारा भाई कील गाड़ रहा था तो लोहे की रोड उसकी कील के सामने भी आई थी, लेकिन उसने कील को वहां से निकाला और थोड़ा साइड में गाड़ा तो कील आसानी से पिलर में धस गई, लेकिन तुम लोहे की रोड के सामने आने के बाद भी कील को उसी जगह पर ठोकते रहे जिससे कील मुड़ गई, और तुमने अपनी लाइफ में भी यही गलती की है। तुम्हारा लक्ष्य तो ठीक था लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम सिर्फ एक ही रास्ते पर मेहनत करते चले गए। तुमने रास्ता चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। तुमने ये सोचा ही नहीं कि हो सकता है जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो वो तरीका ही गलत हो। दोस्तों कई बार यही गलती हम लोग भी करते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते चले जाते हैं, एक बार भी रुककर ये नहीं सोचते कि अगर बार बार कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही तो रास्ता चेंज किया जाए, मेहनत करने का तरीका बदला जाए, हो सकता है उसके तुरंत बाद आपको सफलता मिल जाए। इसलिए दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता ना मिले तो अपने लक्ष्य को बदलने के बजाय रास्ता बदलो, मेहनत करने का तरीका बदलो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।